इतनी बार उनसे कहा, मुझे तेल लाके दो, तेल लाके दो, नहीं लाके दिया। हा? मैं घर की बहू हूँ, मैं क्या अब तेल उधार लेने जाऊंगी? खुद को जलाकर इनके पेट पालती रहूं और वो बस यूं ही घूमते रहते हैं। इतनी बार कहा है कि मत जाओ मत जाओ, कभी सुनते हैं मेरी बात? विश्वकर्मा पूजा भी होकर चली गई, एक पैसा घर में नकद नहीं आया। शाम को पूजा अपने बच्चों के लिए एक कपड़ा तक नहीं खरीद पाई। कृष्णा, ओ कृष्णा, कृष्णा, ओ कृष्णा। सारी जिम्मेदारी बस मेरी है, इस घर के लिए जान भी दे दो तो कम है। सर्दी जुकाम से सर फटा जा रहा है, मजाल है कोई दवाई ला दे। और लाएंगे भी कहां से, पैसे हो जेब में तब ना। पहले मुसीबतें कम थी जीवन में, जो ये बीमारी भी आ गई ऊपर से। भगवान जाने कौन सा मनहूस आया है, ये खत्म कर दिया सब कुछ, सब बर्बाद कर दिया है। कृष्णा, अरे ओ कृष्णा। क्या देखकर मेरे माँ बाप ने शादी की थी मेरी, सारा जीवन सुख को ही तरसती रह गई। ऐसे आदमी के साथ कोई रह सकता है भला? कृष्णा, अरे ओ कृष्णा। বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা ফুল। বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা ফুল। गेंदा फूल गाने लगाकर क्या कर रही है तू? अरे माँ, क्या हुआ है, इतना चिल्ला क्यों रही हो? चिल्ला रही हूँ, तुझे तेल लाने के लिए कहा था ना? बाबा से बोल तो दिया। तेरे बाबा? देख अभी कहाँ पर। गजा, गजा, ओ गजा, तू, तेरे बाबा कहाँ है? गजा, गजा, पतंग को हाथ मत लगाना, बता रही हूँ तुझे। माँ, कल विश्वकर्मा पूजा थी ना, आज विसर्जन है, मैं क्या आज भी पतंग ना उड़ाऊं? बिल्कुल नहीं उड़ाएगा तू, मैंने मना किया ना तुझे। गजा, पतंग को बिल्कुल नहीं उड़ाएगा तू। गजा, गजा सुन ना, गजा रुक जा, मैंने कहा गजा सुन। भगवान रक्षा करो, भगवान इनकी तबीयत खराब है, दिल की बीमारी है, पता नहीं कहाँ जाकर बैठ गए। गंगा काका, अब आपसे नहीं हो पाएगा, ये ढोल बजाने में अब आप मुझसे नहीं जीत सकते। वो दिन अब नहीं रहे गंगा काका, वो दिन अब नहीं रहे। चुप कर, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर काली, देख बजा पाऊंगा या नहीं देख। इस गांव से तुझे मैं जीत कर नहीं जाने दूंगा। ये सिर्फ ढोल नहीं है, मेरे दिल की धड़कन है जो धक धक करती रहती है, और उसी ताल के साथ साथ गंगा का हाथ भी चलता है। बजा। ठीक है गंगा काका, अगर हार गए तो आपके मुंह पर कालिक पोत के पूरे गांव में घुमाऊंगा। अरे तू ज्यादा बोल मत, बजा तू।
क्या हुआ गंगा काका, आप ठीक हो ना? जाओ जाओ गंगा काका। ढोल छोड़ के बीवी का आंचल पकड़ के घर में बैठो, जाओ जाओ। काका, ढोल मेरे दिल की धड़कन है, उसी से हाथ चलता है मेरा। अब देखना आप काका, आज पहली बार आपके ही गांव में आके आपको हरा के मैं काली ट्रॉफी लेकर जाऊंगा। गजा जमुना दी, बाबा को ढोल में हरा रहे हैं। कौन? काली चाचा, बाबा का मजाक उड़ा रहे हैं और उन्हें गुस्सा भी दिला रहे हैं। गंगा काका, मुंह पे काले पोत के मैं आपको पूरे गांव में घुमाऊंगा। कह रहे हैं कि वो इस गांव से शील्ड ले जाएंगे। अच्छा, देखती हूँ, चल मेरे साथ। तू यहाँ? इस गांव से ट्रॉफी बाहर नहीं जाएगी। नहीं जाएगी मतलब? ये ट्रॉफी बाहर नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं। जमुना का वादा है। क्या गंगा काका, आपकी बेटी ढोल बजाने के लिए आई है क्या? ढोल बजाएगी आपकी बेटी? ए, खबरदार, तू ढोल को हाथ भी मत लगाना। जा, घर जा। नहीं बाबा, नहीं। आज 20 सालों से इस गांव में आपकी वजह से ही शील्ड है। ये सिर्फ गांव का सम्मान नहीं है, आपका भी सम्मान है। और आपका सम्मान मैं मिटने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं बाबा। इस काली ढोली का घमंड अगर मैंने नहीं तोड़ा ना, तो मेरा नाम भी जमुना नहीं। देख, तू ढोल को हाथ भी नहीं लगाएगी। काली किसी लड़की के साथ नहीं लड़ता है। माँ दुर्गा लड़की है, माँ काली भी लड़की है, तेरी माँ भी लड़की है। लेकिन तू अगर मर्द है ना, तो फिर बजा ढोल मेरे साथ,
सुनो, सुना तुम सब लोगों ने? गंगा काका की बेटी क्या बोल रही है? अगर ये हमारा गांव होता तो तेरी ऐसी हालत होती ना। एक लड़की होकर जहाँ इसे घर बार संभालना चाहिए, बच्चों को पालना चाहिए था, वहाँ ये ढोल बजाने आई है। हाँ, ढोल बजाने ही आई हूँ। देखती हूँ काली कि तू कितना काबिल ढोली है। अगर तू हारी तो तुम्हें नाक रगड़ूंगी, तुम्हें नाक रगड़ूंगी। गजा, तू घंटा बजा। क्या कर रही है? सुन जमना, मेरी बात सुन। मैं मना कर रहा हूँ, सब हंसेंगे तुझ पर। गंगा काका, काका वो आपके घर में महाजन तोड़फोड़ कर रहा है। क्या? हाँ, जमीन के हिस्से के लिए। कब दोगे? ब्याज के साथ मिलाकर जो तुम्हारी रकम बनती है वो है 14,000। और वो पैसा अगर आज के आज मुझे नहीं मिला ना, तो तुम सबको इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। नहीं मालिक, नहीं। वो तो निकालेंगे ही। आपकी तो बहुत दिनों से नजर थी ना हमारे इस घर पर। मेरी नजर सिर्फ इस घर पर नहीं है, मेरी नजर तेरे ऊपर भी है। ज़बान संभाल कर बात करो, शर्म नहीं आती आपको? क्या क्या बोला तूने? ए, उठा लो इसको। नहीं, मालिक, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। हम आपका एक एक पैसा लौटा देंगे। इसे छोड़ दीजिए, वो अब कभी ऐसा नहीं बोलेगी। छोड़ दीजिए इसे। साहब, मेरी बात सुनिए। साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब, थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब। ए, पैर छोड़ मेरा। पापा, जब तक तू मेरा पैसा नहीं लौटा देता, तब तक तेरी ये बेटी मेरे पास गिरवी रहेगी, समझा? नहीं,
नहीं साहब। ए, चल। नहीं, चल। नहीं। चल। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मेरी बेटी को। छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब। चल। नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। चल, चल मेरे साथ। ए, लेके चलो इसको। लकड़ी भी है और आग भी है, चिता जला दूंगी यहीं। क्या? हाँ। उठिए बाबा। मेरी बात सुन बेटा, थोड़ा शांत हो जा, अपना दिमाग ठंडा कर बेटा। छोड़ो इसका। मेरी बात सुन। हाथ छोड़ो इसका। ऐसे ही रावण ने भी हाथ पकड़ा था सीता मैया का, उसके बाद पता है क्या हुआ था? हाथ छोड़ो इसका। नहीं छोड़ूंगा। हो छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो इसका हाथ। ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है तू? निकल जाओ यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। इतनी बड़ी बात बोली तो तू भी सुन ले। इसी पूजा के बीच तेरी बहन को मैं जबरदस्ती अपने घर लेकर जाऊंगा। चलो यहाँ से। साहब मेरी एक बात। कुछ नहीं सुनना है। मेरी एक बात सुन। कुछ नहीं सुनना है मुझे। साहब मेरी बात सुन। चलो। क्या जरूरत थी महाजन से ऐसे बात करने की? सही किया मैंने, बिल्कुल सही किया मैंने। मेरे बाबा को लात मारी उसने, मेरी बहन को छुआ है उसने। मेरे रहते मेरे घर में किसी को छूने नहीं दूंगी, और जो हाथ लगाएगा उसका हाथ काट डालूंगी। वादा रहा, काट डालूंगी उसका हाथ। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? ओ हाँ, मैं गंगा ही बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं साहब, नहीं, वो नया ढोली मत बुलाइए, मैं बजाऊंगा। मैं इतने सालों से आपके यहाँ ढोल बजा रहा हूँ, मुझे मत निकालिए साहब। हाँ, साहब आपसे एक अनुरोध है बस। मुझे आप 20,000, आप मुझे नगद दे पाएंगे क्या? मेरी ये जमीन गिरवी है, बस इसीलिए मैं आपके पैर पड़ता हूं। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, ईश्वर आपका भला करेंगे साहब। कौन था? कोलकाता के मलिक साहब के मैनेजर का फोन आया था। 20,000 रुपए नगद देंगे, उसमें से वो 2,000 रुपए कमीशन रखेंगे, मुझे 18,000 मिल जाएंगे। ये पैसे लेकर मैं महाजन के मुंह पर फेंक कराऊंगा। नहीं बाबा,
आप नहीं जाएंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर चाचा ने कहा है आपको दिल की बीमारी है। मुझे दिल की बीमारी? गरीब का क्या करेगी ये दिल की बीमारी? जब तक मेरा ये दिल धड़कता रहेगा तब तक मेरे हाथ चलते रहेंगे। नहीं, आप नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। बाबा आप नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। नहीं बाबा आप नहीं जाएंगे, बस मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। ठीक है ठीक है, तो फिर मैं भी चलूंगी। ठीक है, चलना है तो चल, लेकिन एक बात गांठ बांध ले, उस घर में जाके तू ढोल को हाथ नहीं लगाएगी। वहां के लोग बड़े कठोर हैं, लड़कियां ढोल बजाए पूजा पाठ करें ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों को बाहर निकाल देंगे। ढोल तो बजेगा ही बाबा, चाहे वो बाप बजाए या फिर बेटी, चाहे गंगा ढोली बजाए या फिर। जमुना ढोली, जमुना ढोली। अरे हो दादी माँ, अब आपकी पतंग उड़ाने की उम्र नहीं रही, जाओ जाओ हरि का नाम जपाओ। जा जा, पहले मुझे हरा के दिखा, मेरी पतंग तो काट। हा? अच्छा, तुम सब की पतंग अकेले काट दूंगी। हाँ रुको, दिखाते हैं आपको दादी माँ। क्या हुआ? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कितनी बार मैंने आपसे कहा है इस तरह छत पे मत आओ, कितनी ही बार बोल चुका हूं इस तरह पतंग मत उड़ाओ। जीवन भर इस परिवार का मुख काला किया है आपने, जीवन भर इस परिवार को बस लज्जित किया है आपने, और इसी वजह से मेरे पिताजी आपके साथ खुश नहीं थे। क्या कहा? वही जो आपने सुना, मेरे पिताजी आपके साथ खुश नहीं थे, और इसी वजह से मरते समय उन्होंने आपका चेहरा भी नहीं देखा। ज़बान संभाल कर बात कर। चुप रहो, जाओ नीचे जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं कह रहा हूं नीचे जाओ, मजाक मत बनाओ, जाओ। माँ के साथ ऐसे बात करते हैं? माँ, तुम मेरी सौतेली माँ हो। रास बिहारी बाबू,
रास बिहारी बाबू। जी मालिक, आपने मुझे बुलाया? हाँ, पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं ना? जी हाँ, सारी तैयारी हो चुकी है। पूजा के लिए कपड़े भी आ चुके हैं। घर के नौकर नौकरानियों से लेकर ड्राइवर कुक, घर में सबके लिए नए नए कपड़े आ चुके हैं। और आप पूजा के समय जो गरीबों को कपड़े देते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, उन सबको भरपेट खाना खिलाते हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं, उन सबके लिए भी नई नई साड़ियाँ और नई नई धोतियाँ आ गई हैं। आप चिंता मत कीजिए और समझिए कि बाकी की भी तैयारियाँ हो चुकी हैं। सब कुछ अच्छे से हो रहा है। ये क्या, आपने माँ की आँखें अभी बनानी शुरू कर दी? नहीं नहीं, आपके घर में माँ को आँख दान करना तो बड़ा उत्सव मानते हैं, और उसी दिन से तो आप लोगों की पूजा शुरू होती है। दूसरों के यहाँ 5 दिन, आप लोगों की पूजा 14 दिनों तक चलती है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे राय परिवार की जो दुर्गा पूजा है। अच्छा याद आया, माँ के गहने आए हैं ना? अनुराधा, अनुराधा, सुनार माँ के गहने देकर गया है ना? हमारा परिवार सालों से माँ को गहने पहना रहा है। नहीं नहीं, मैं खुद ही जाकर देख कर आता हूँ। अनुराधा, अनुराधा, कितना सुंदर है ना? सच में, और पॉलिश होने के बाद तो बिल्कुल नया लग रहा है ना? सच में बहुत सुंदर है। अनुराधा, अनुराधा, वो माँ के गहने आ गए क्या? ये रहा, देखिए ना। वाह, ये कितना चमक रहा है। माँ को इसे पहनाने के बाद हर तरफ उजाला ही उजाला होगा। हाय मोन, बोल। नहीं नहीं, तैयार ही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। हाँ, मेहमान तो अब आने शुरू हो जाएंगे। तुम लोग कब आ रहे हो? शाम को? ओ अच्छा अच्छा, वो तो है ही, राय परिवार की पूजा है ये। नहीं नहीं, अब भला कहाँ वो दिन रहे हैं। मेरी जब शादी हुई थी तब इस घर में पूजा में 108 ढोल बजे थे, और अब तो एक ढोल बजता है, और ढोली भी वो एक ही है, गंगा, गंगा ढोली। रागिनी, हाँ भाभी, सुनना, जरा पंडित जी को तो फोन कर, माँ के नेत्रदान का समय पूछ लो। हाँ। उनसे कहना टाइम पे आ जाए, बिल्कुल देर ना करे। मैं करती हूँ दीदी, आप चिंता मत करो। दिखा, अरे वाह, नया फोन है। हाँ मतलब, ओह जरूर बड़ी भाभी ने दिया होगा। अच्छा मक्खन लगाया, बड़ी भाभी के पैसों से तुम्हारे सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। अब देखो, ये नया फोन उनकी छोटी देवरानी के लिए, नए गहने भी तुम्हारे लिए, और फिर वो नीले रंग की साड़ी भी तो तुम्हारे लिए है। अच्छा पटा रखा है तुमने। पटाने की क्या जरूरत है दीदी, ये साड़ी गहने सब मेरे पति ने दिए हैं, और दूसरों की तरह हम मायके में बैठ कर तो नहीं खाते ना। पता है, ये मोबाइल फोन मुझे दीदी ने ही दिया है। ये क्या चल रहा है, ये कैसी बातें हो रही हैं? अच्छा भाभी, कभी अपनी प्यारी ननद को भी तो ऐसे मोबाइल शोबाइल गिफ्ट कर दिया करो। रागिनी, छोटों से इतना जलती क्यों हो तुम? तुम्हें तो कोई कमी नहीं है ना, बल्कि तुम्हारे पास ज्यादा ही है। ज्यादा? क्या बोल रही हो भाभी, ज्यादा कभी कुछ होता है क्या? जो भी मिलता है कम लगता है। रागिनी, पूजा के बीच ऐसा कुछ भी मत करना,
जिससे तुम्हारे पास जो भी कुछ है, मतलब जितना ज्यादा ज्यादा है, रुपया, पैसा, गहने वगैरह, सब तुमसे वापस लेकर मुझे कहीं अलमारी में बंद करके ना रखना पड़े। अरे भाभी, नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा होगा मजाक तक ही रखो। मलिका, तुम फोन करो। हाँ। मुझे दो, मैं करती हूँ। नए फोन से फोन करने का मजा ही अलग है। सच में ये फोन बहुत अच्छा है। हाँ पंडित जी। हाँ मैं ये कह रही थी कि शुभ मुहूर्त कब है बताएंगे? हाँ अच्छा 7:46 ना? अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी। भाभी ठीक 7:46 को है। अच्छा ये लो अपना फोन, लो पकड़ो। ये सामान मंगवा लो। जी दीदी। ओ संगीत, राजबिहारी काका। जी काका, संगीत आ रहा है, किसी को एयरपोर्ट भेज दीजिए प्लीज। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारा इंतजाम हो जाएगा। हाँ आपको मेरे काम में कोई कमी नहीं मिलेगी। घर की सारी लड़कियाँ कहाँ गई? सत्यानाश, कैसे कहूँ, इस घर में नाच गाना मना है। इसी गाने बजाने की वजह से कितना कुछ हो गया है। बड़ी माँ को सबने किनारे कर दिया है, उधर लड़कियाँ डांस की तैयारी कर रही हैं। मालिक को पता चल गया ना, बड़ी आफत आ जाएगी। बड़ा घर। साहब की 7 पुश्तों से जमींदारी है, लेकिन अब जमींदारी नहीं रही। बाबा आप इसी घर में ढोल बजाते हैं? हाँ। अच्छा आप चलो चलो। कौन? ओ गंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है रहने दो। अरे गजा, प्रणाम कर। अरे अरे अरे, खुश रहो। ठीक है। क्या रे गंगा, आ गया तू? मुझे तो लग रहा था कि इस बार तू आएगा ही नहीं। मैं आपके घर नहीं आऊंगा, ढोल नहीं बजाऊंगा,
ऐसा हो सकता है क्या? आज से नहीं, मेरे बाप दादा के समय से वंश परंपरा में यहाँ ढोल बजाते आए हैं। जब मैं गजा की उम्र का था तब पहली बार इस घर में मैंने ढोल बजाया था, है ना मालिक? मैं नहीं आऊंगा, ऐसा हो सकता है। क्यों रे गंगा, तेरी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं साहब, हाँ वो थोड़ी खराब है, इसीलिए तो मेरे साथ बेटा और बेटी आए हैं। बेटी कहाँ है? बेटी 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 तो यही मेरे साथ ही थी। जमुना जमुना आ गया हूँ। ये लीजिए। लाइक योर वेरी वेरी डांसिंग एंड सिंगिंग। मीनवाइल सबने बहुत नाच गाना कर लिया। ये हाँ पूरी है, सब्जी है और ये रही कॉफी, सब लोग खा लीजिए। पहेली काका आपका जवाब नहीं, चुक चुक जी। आपके बिना तो ये घर अधूरा है पहेली काका, खा के देखती हूँ। बहुत स्वाद है पहेली काका। सच में पहेली काका की कुकिंग का कोई कंपटीशन ही नहीं है। अच्छा मैंने तो वेरी गुड बनाया है, लेकिन आप लोग जो यहाँ नाच गाना कर रहे हो ना, बड़े साहब को पता चला तो तूफान आ जाएगा। क्या? अरे युद्ध युद्ध। अच्छा ठीक है, अब ये पहेली बताओ तो, जो बताएगा वो इंटर बुक में पास हो जाएगा। इंटर बुक वो क्या है? इंटरव्यू। पहेली काका इंग्लिश में महा सरस्वती से कम नहीं। अच्छा पूछो अपनी पहेली। हाँ बोलता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। पेड़ पर हूँ रहती, पर पंछी नहीं हूँ, साधु नहीं हूँ, पर है लंबी दाढ़ी, बारिश नहीं हूँ, पर जल से हूँ भरी। जो नहीं समझे उसे पागल कहें सभी। क्या है बता। चुप क्यों हो गए? चलो बता। अरे मीनवाइल टॉकिंग आई मीन बोलो। अरे कैसे चुप हो गए? नारियल। कौन हो तुम? मेरी पहेली का जवाब तो इस घर में कोई नहीं दे पाता, तुम क्यों आ गई मेरी पहेली का जवाब देने के लिए? मैं मुझे पता है तुम कौन हो। चलो दादी ऊपर बुला रही है तुम्हें, चलो। दादी। हाँ बोल। एक लड़की आई है, गंगा की बेटी। कहाँ है? बुला। हो तुम? तुम गंगा की बेटी हो, इतनी सुंदर, कीचड़ में कमल खिला हो जैसे। बहुत सुंदर हो तुम तो। और बेटा पढ़ाई लिखाई भी की कुछ? मैं पढ़ना लिखना तो चाहती थी लेकिन। समझ गई। लड़कियों को बहुत दिक्कत होती है, उस पर तुम गरीब घर की। तुम अक्षर पहचानती हो? हाँ
वो आ क ख ठीक से लिख लेती हूँ, पर वो मात्रा लगाते वक्त पता नहीं क्या हो जाता है। सही कह रही हो तुम। जानती हो मेरी सास का नाम क्या था? खेंतोबुरी। आज अगर वो होती ना और तुम उनका नाम लिखने की कोशिश करती तो हो जाता।